हेलो फ्रेंड्स, एम प्रसाद डिजाइन पे आप सबको स्वागत है। आज हम 36 साइज की ब्लाउज की मेजरमेंट सीखेंगे और उसकी कटिंग सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं एक यहाँ पे ब्लाउज पीस रखी हूँ। ब्लाउज पीस की फोल्ड मेरी तरफ है और उसकी खुली तरफ सामने की तरफ है। तो हम ब्लाउज की मेजरमेंट अभी लेना स्टार्ट करते हैं। मेरी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मैं उसमें एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं यहाँ 15 इंच पे ऐसे मार्क की। फिर शोल्डर हम लेंगे, 36 इंच का ब्लाउज है तो 5.5 इंच लेंगे। तो 5.5 इंच पे ऐसे मार के और सीधी लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, हो गया। अभी हम आर्म होल के लिए यहाँ पे लेंगे 6 इंच, ऐसे यहाँ पे 6 इंच तक ऐसे मार्क करेंगे, हो गया। अभी चेस्ट हमारा जितना है, फुल चेस्ट जितना है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो मेरा यहाँ पे 36 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। फिर सिलाई के लिए हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच, तो हो गया हमारा मार्किंग। उसे ऐसे मिला देंगे, यहाँ ऐसे सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अभी हम लेंगे यहाँ कमर की मेजरमेंट। तो मेरा कमर है 30 इंच, तो यहाँ पे मैं उसका 4th पार्ट लूँगी, 7.5 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। फिर प्लीट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और सिलाई के लिए 2 इंच। फिर ये दोनों मार्क को ऐसे मिला देंगे, हो गया। अभी हम ये बैक साइड का है, तो अभी हम यहाँ आर्म होल के लिए यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितना है, ये हम 6 इंच लिए हैं तो बीच में ऐसे मार्क करेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे, हो गया। इससे ऐसे हम एक शेप दे देंगे। थोड़ा सा हम नीचे ऐसे मार्क करेंगे, हो गया। अभी हम यहाँ नेक की कटिंग के लिए 2.5 इंच लेंगे। मैं 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करी यहाँ। फिर पीछे की डीप गला के लिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, हो गया। यहाँ मैं गला की शेप के लिए 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर इसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ऐसे सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अभी हम ये गले की ऐसे डिजाइन बनाएंगे, शेप देंगे। तो मैं यहाँ गोलाई में शेप दे रही हूँ, मुझे गोलाई शेप अच्छी लगती है। आप चाहें तो डिजाइन बना सकते हैं, जो चाहे यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं, हो गया। हमारा पीछे का मेजरमेंट और मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पीछे की पल्ली को कट करेंगे। तो चलिए हम कटिंग करेंगे इसे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Yeah.
ऐसे ऐसे तो हमारा पीछे का पल्ला अभी ये निकल गया, हो गया। अभी हम ये पीछे के पल्ले में यहाँ से यहाँ तक ऐसे 4 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ हम प्लीट लगाएंगे। तो यहाँ से 4.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ हमारा प्लीट लगेगा। तो हमारा ये पीछे का मार्किंग हो गया है। अभी हम इसे इसमें इस ब्लाउज पीस में ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड की तो इसमें ये जैसा है ऐसे पे ही ऐसे मार्क कर देते हैं ठीक से बैठा कर। देखिए हो गया, अभी हमारा ये मार्किंग हो गया। अब इसे यहाँ से हटा देंगे, पीछे की साइड से फ्रंट साइड के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ हमारा भी पट्टी यहाँ पे जॉइंट होगा, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे जॉइंट होगा, फिर नीचे की तरफ पट्टी जॉइंट होगा, 3 जगह हमारा जॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो चलिए फ्रंट साइड की हम मार्किंग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ नेक की मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ नेक के लिए 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक यहाँ पे बक्स बना रही, ऐसे बक्स बना देंगे, फिर इसे ऐसे सीध गोल शेप देंगे, ऐसे गोल शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जानने के लिए अच्छी दिखेगा, ये आप जान पाएंगे, इसलिए मैं आर्म होल की ऐसी ड्राइंग कर देती हूँ यहाँ पे 6 इंच पे, हो गया। तो ये बैक साइड का ड्रा था, तो हम फ्रंट साइड के लिए थोड़ा सा अंदर लेंगे 1/2 इंच पे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ड्रा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ मार्क करेंगे, फिर इसे ऐसे ऐसे करेंगे और इधर से थोड़ा सा अंदर से ऐसे मार्क करेंगे, हो गया। तो भी पट्टी अब हम निकालेंगे, तो इसलिए हम पहले बॉडी की लेंथ लेते हैं। बॉडी की लेंथ यहाँ पे मैं लूंगी 12 इंच, ऐसे सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 12 इंच से। 1 सूट में थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पे, ऐसे हो गया। अभी इसमें टक पैंट निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे 10 इंच पे होगा ये। तो कप की चौड़ाई यहाँ पे लेंगे हम 5.5 इंच, 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, इधर से 2.5 इंच अंदर की तरफ से ऐसे मार्क करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ नेक की तरफ यहाँ
वन इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे। देखिए ऐसे हो गया। फिर इसे ऐसे डट डट करके यहाँ हम मिला लेते हैं। हो गया हमारे मार्किंग। मैं यहाँ पे सिंगल कटोरी बनाऊंगी इस ब्लाउज पे। तो मैं सिंगल कटोरी कैसे निकालते हैं वही मैं बताऊंगी इसमें। तो हो गया हमारा मार्किंग। यहाँ से भी पट्टी के लिए थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऐसे मार्क करेंगे और इसे ऐसे शेप दे देंगे। देखिए ऐसे शेप दे देंगे। तो हो गया हमारा मार्किंग फ्रंट की साइड। हमारा मार्किंग रेडी हो गया है। तो अभी हम इसे कटिंग करते हैं। ये वी पट्टी निकल गया। इसे हम बीच में से ऐसे कट कर देंगे। ये फोल्ड रहता है तो इसे कट कर देते हैं। ये निकल गया। अभी हम देखिए एस पट्टी को यहाँ से निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ से अंदर से ये हम कटिंग करेंगे। ये बाहर की तरफ छोड़ देंगे फिर अंदर से ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। हो गया। अब हम ये कप को कटोरी को हम यहाँ से निकालेंगे। तो उसके उसको भी कट कर देते हैं इसे, और इसे ऐसे कट कर देंगे। हो गया ये निकल गया। अभी हम ये एस पट्टी बोलते हैं इसे, ये निकल गया। अभी ये कटोरी को हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो इसे अब दूसरे कपड़े में बैठाकर फिर हम कटिंग करेंगे। तो अभी इस कटोरी को इस कपड़े पे बैठाकर हम कटिंग करेंगे। तो कैसे कटोरी सिंगल कटोरी निकालते हैं वही देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इसे थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा कपड़ा ऐसे क्रॉस में यहाँ पे देखिए खिंचाई हो रहा है। तो ऐसे जहाँ ऐसे ऐसे खिंचाई हो रहा होगा वहीं पर ही इसे बैठाएंगे, क्योंकि फिटिंग अच्छी तरह से आता है। तो चलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे रखती हूँ कपड़े को। हो गया ये। अभी हम ये जैसा भी है ऐसे ही हम ड्रा करेंगे यहाँ पे। अब इसे यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम मेजरमेंट बताएंगे। तो चलिए उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच पे ड्रा कर, ऐसे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। इधर भी हाफ इंच, देखिए हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। हो गया। और इधर हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो इसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। हो गया। और इधर नीचे की तरफ फिर यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच लेंगे। देखिए मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। देखिए फिर इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। हो गया। नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे।
वन हाफ और उसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना हो रहा है बीच में ही हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे और बीच में ऐसे मार्क देंगे। ये बीच में से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे ऐसे मार्क देंगे और अभी यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया तो ये हमारा कटोरी अभी निकल जाएगा यहाँ से। तभी इसे कटिंग करते हैं। चलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे 1 इंच पे इसे यहाँ एक कट दे देते हैं। फिर यहाँ तक हम ऐसे एक मार्क देंगे। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच या 3 इंच पे ऐसे मार्क देंगे टक्स पेंट के लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पे ऐसे देखिए 1 इंच पे ऐसे मार्क कर देते हैं। ऐसे हो गया। अब हम इसे सिलाई के टाइम ऐसे यहाँ से जहाँ पे मार्क किए हैं यहाँ से रख कर ऐसे सिलाई करेंगे। फिर बीच में यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे बीच में यहाँ एक मार्क देंगे और फिर 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ भी एक प्लीट लगेगा और इधर भी एक प्लीट लगेगा तो ये हमारा कप निकल के आ जाएगा। हो गया हमारा ये सिंगल कटोरी। तो चलिए अभी हम उसके आस्तीन को काटते हैं। तो आस्तीन के लिए ये कपड़ा हमारा सफिशियंट है तो हम ये 2 फोल्ड है। देखिए ऐसे 2 फोल्ड है ये तो इसे 4 फोल्ड करेंगे फिर 1 फोल्ड ऐसे करेंगे। हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कपड़ा यहाँ कितना रह गया है। 6.5 इंच है तो मैं यहाँ 5.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ नीचे मैं फोल्ड करूँगी कपड़े को पट्टी के लिए फोल्ड करूँगी। 5.5 इंच की आस्तीन मेरे लिए सफिशियंट है तो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। मेरी आर्म होल है फुल आर्म होल है 15 इंच तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच 1/2 इंच लूंगी यहाँ पे ऊपर से ऐसे 3 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। हो गया। नीचे से मेरी मोहरी है 6 इंच तो मैं 6 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ। फिर इसे यहाँ तक ऐसे मिला दूँगी ऐसे यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर ये सिलाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा है तो नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए हो गया। अभी हम इसे यहाँ तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। यहाँ से थोड़ी सी जो पट्टी की कपड़े हैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कर करके ऐसे मार्क करेंगे क्योंकि पट्टी जो यहाँ अंदर जाएगा तो यहाँ तक अच्छी तरह से बैठेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से ऐसे
थोड़ी सी यहाँ पे 2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे आस्तीन की शेप दे देंगे। ऐसे शेप दे देंगे। फिर अंदर की तरफ यहाँ से हम 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करके ऐसे लेंगे। हो गया आपका फूल मेजरमेंट, जितना भी होगा आस्तीन का, आर्म होल का, उसका यहाँ से यहाँ तक हम आप 1/2 ही लेंगे, उसका आधा करेंगे और उसका ही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच 2 इंच आपके अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए आस्तीन की हम कटिंग करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर ऐसे घुमा देंगे, हो गया। फिर इसे यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ बाहर की जो मेजरमेंट है, जो मार्किंग है, वहीं से कटिंग करेंगे, हो गया। ये हमारा आस्तीन निकल गया, अभी रेडी हो गया। ये है हमारा ब्लाउज की आस्तीन, ये है कटोरी, ये हमारा बन गया बी पट्टी, ये एस पट्टी, ये फ्रंट साइड का सब निकल गया। फिर अभी ये बैक साइड का पार्ट है। तो ये हमारा रेडी हो गया ब्लाउज की मेजरमेंट और कटिंग। तो दोस्तों आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। फिर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर और एक वीडियो में मिलते हैं।